हेलो फ्रेंड्स, आज हम ड्रॉ करेंगे एक रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड जिसका बेस है 30 mm एंड एक्सिस है 100 mm। तो एट फर्स्ट यहाँ पर 30 mm एक लाइन टान दूंगा। अब कंपास लेकर बोथ साइड से एक कर्व ड्रॉ करूंगा। तो ये दो कर्व जहां पर टच कर रहा है वहां से एक सर्कल ड्रॉ करूंगा हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये सेम लेंथ लेकर ये ड्रॉ करना होगा। तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। देन इस लेंथ का माप लेकर फिर से ये सर्कल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हर लाइन को जोड़ दूंगा। तो हर पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हेक्सागन ड्राइंग हो गया। तो अब इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये हेक्सागन हो गया। तो यहाँ पर नेम दे दूंगा ABCDEF। ये नेम दे दूंगा यहाँ पर। देन इसका एक्सिस को ड्रॉ करूँगा। तो एक्सिस है 100 mm। तो 100 mm ऊपर में परपेंडिकुलरली मिड पॉइंट से, मतलब सर्कल करने के टाइम में जो पॉइंट था उस पॉइंट से ही ऊपर में परपेंडिकुलरली 100 mm एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो ये 100 mm हो गया। तो ये एक मिडिल लाइन है, तो ये इसीलिए इसको सेंटर लाइन करना पड़ेगा। मतलब एक बड़ा लाइन, उसके अंदर एक छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर उसके अंदर एक छोटा लाइन। तो ऐसे ही इसको ड्रॉ करना होगा। तो एक्सिस ड्रॉ हो गया। तो अब चारों तरफ से पिरामिड का चारों तरफ से जो साइड है उस साइड को भी ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। तो अब देखिए डी और ई जो लाइन है वो लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ पर ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन को ही डॉटेड लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इस व्यू में ये लाइन नहीं शो हो रहा है। तो इसीलिए ये लाइन डॉटेड लाइन होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन दे दूँगा। तो ये जो डायमेंशन था ये 100 mm था, तो उस डायमेंशन को दे दूँगा यहाँ पर।
तो ये था 100 mm, तो अब दोस्तों इस हेक्सागोनल का जो बेस है उस बेस का भी एक पॉइंटिंग करके यहाँ पर मेज़रमेंट को दिखा दूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही एक हेक्सागोनल पिरामिड हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।